और राजधानी देहरादून की बात करेंगे, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी में विभागों के बंटवारे को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है, इंतजार भी है। सभी कार्यकर्ता की निगाहें संगठन पर टिकी हुई है। वहीं पिछले दिनों एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी, जिसको लेकर आनन फानन में उस सूची को फर्जी करार देकर सूची जारी करने वाले पर जांच करने की बात भी कही गई थी। वहीं आज प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनोज चौहान ने बताया कि यह मामला मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, इसका फैसला भी मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं और इसके लिए बकायदा कई बार बैठकें भी होती है। प्रदेश संगठन में केंद्र को सूची भेजी है, अब इंतजार खत्म होने की कगार पर है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। किसने बनाई, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं बनाई गई है, इसलिए लेकिन दायित्वधारी जो बनाए जाते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और उचित समय पर माननीय मुख्यमंत्री उचित निर्णय लेने वाले हैं। कब तक उम्मीद की है, इसके लिए बैठक भी हो चुकी है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत करने के बाद, क्योंकि जो सूची तैयार की गई केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई है, राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्दी उसकी घोषणा करेंगे।